बार क्या होता है कि इमेज की जो साइज होती है हार्ड डिस्क पे, यहाँ पे हम साइज की केबी या एमबी में बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो साइज होती है उसको हमें कम करना पड़ता है। जैसे कई वेबसाइट पे हम कोई इमेज अपलोड करते हैं तो वहाँ पे पहले से ही इमेज की जो एक्सीडिंग लिमिट होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पे ही ले लो, आप 4 या 6 MB से बड़ा आप चैनल आर्ट पोस्ट नहीं कर सकते। या कोई अगर हम सरकारी आईडी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इमेज की जो फाइल होती है वो 200 या 400 KB की फिक्स होती है, तो हम उससे ज़्यादा साइज की फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इमेज की जो साइज होती है वो कम करनी पड़ती है। फोटोशॉप या अदर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो थोड़े हैवी और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो सभी की समझ में आसानी से नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल फ्री है और इजी टू यूज है, और इसकी साइज भी ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ 2 MB का एक सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए आप ब्राउजर खोलिए, ब्राउजर की सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है RIOT, एंटर करके सर्च कीजिए। और यहाँ पे आपको ये जो RIOT डाउनलोड दिखाई दे रहा है इसका फुल फॉर्म है रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 MB का सॉफ्टवेयर है। अब इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। आप इसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, जैसे सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट बना के। अब इस प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं और इस प्रकार से ये प्रोग्राम शो होता है। इसमें आपको इस साइड में इनिशियल इमेज है, यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ड्रॉप करना है और यहाँ पे ऑप्टिमाइज इमेज की जो साइज है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम कुछ इमेज को टेस्ट करते हैं। जैसे ये जो इमेज है आप देख सकते हैं 4.30 MB की है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। आप चाहें तो इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप उसी साइज में इसकी जो फाइल साइज है उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रीसाइज करना चाहते हैं तो यस प्रेस कीजिए, और यहाँ पे इस इमेज का जो विड्थ और हाइट होती है उसको आप चाहे तो कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये 4.31 MB की इधर है ओरिजिनल, और ऑप्टिमाइज होने के बाद में ये 128.82 KB की यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको आप यहाँ से क्वालिटी को सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से भी इमेज चाहिए। जैसे ये 4.31 MB की इमेज है तो इसको हम यहाँ पे 1 MB के आसपास में करते हैं, तो इस प्रकार से ये शो होगी। और यहाँ से क्वालिटी सेट करने के बाद में आपको सेव कर देना है, और सेव में आपको एक फोल्डर लोकेट करना है। तो इस प्रकार से ये जो इमेज है ये अब साइज में कम हो चुकी है। जैसे ये इमेज है ये 914 KB की है, आप देख सकते हैं, और ये जो इसकी ओरिजिनल इमेज है ये जो 4.30 MB की है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी का लॉस नहीं हुआ है और इमेज की साइज भी हमने 1/4 में सेट कर दी है, लेकिन हमने इस इमेज का रेजोल्यूशन भी कम किया है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बिना रेजोल्यूशन कम किए। जैसे ये एग्जाम्पल हम लेते हैं,
यहाँ पे इस बार हम इमेज को रिसाइज नहीं करेंगे, और ये जो इमेज है ये 5.93 MB की है, यहाँ पे 1.71 MB में इसको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। आप चाहे तो क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव कर सकते हैं 2.32 MB, और सेव बटन पर प्रेस करेंगे और फिर से हम आउटपुट फोल्डर को सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो कुछ ही सेकंड्स में ये हो जाता है, जैसे अब ये 5.93 MB की ये ओरिजिनल इमेज है, और अब जो आउटपुट है ये आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाफ साइज में ये है 2.31 में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज में क्वालिटी में बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं हुआ है, और इमेज की जो साइज है वो कम हो गई है। आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर में आप बैच ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक साथ 10, 20 या 50 इमेज को रिसाइज करना है तो आपको यहाँ पे क्वालिटी सेट करनी है और इमेज को सेलेक्ट करके छोड़ देना है, ये अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बैच पे क्लिक करते हैं, और बैच पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको इमेजेस ऐड करनी है। तो इमेजेस में आप कितनी भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम इन सारी इमेज को सेलेक्ट कर देते हैं, उन इमेज को डीसेलेक्ट कर देते हैं जिनको हम ऑलरेडी कंप्रेस कर चुके हैं, और ओपन कर लेंगे तो ये सारी इमेज ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे हमें वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमें ये आउटपुट चाहिए, और इसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इस टूल की सहायता से जो इमेज है उसकी साइज को कम कर सकते हैं और क्वालिटी भी बनाए रख सकते हैं। क्वालिटी हाई चाहिए तो आप हाई पे सेट कर लीजिए, थोड़ा साइज ज़्यादा हो रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल इमेज है उससे तो साइज कम ही रहेगा। और अगर आपको बिल्कुल ही कम केबी में फाइल चाहिए तो आप उसकी थोड़ी क्वालिटी को कम करेंगे तो फाइल साइज को कम कर पाएंगे। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है और केवल 2 MB का है और इजी टू यूज है। इस प्रोग्राम में आप अपनी इमेज का आउटपुट फॉर्मेट JPEG, PNG और ZIP फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो अगर आपको अपनी इमेज साइज को कम करना है तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।